मोतीवाला और इरफान इकबाल ने आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात की तफसील बता दी। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला और FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख ने आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात की तफसीलात बता दी। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन FPCCI इरफान इकबाल शेख के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी का यकीन दिलाया है। कतर और कुवैत से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की कमिटमेंट लेंगे। करप्शन, स्मगलिंग, सोशल मीडिया और भत्ता माफिया के खिलाफ मुख्तलिफ टास्क फोर्सेस बनाएंगे। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने आर्मी चीफ ने कोर कमांडर को मुखातिब करते हुए कहा, 1 लीटर भी ईरानी पेट्रोल कराची नहीं आना चाहिए। मानो अमन अमान और करप्शन के खिलाफ DG रेंजर्स को भी ऑर्डर जारी किए कि आप खुलकर इस हवाले से काम करें। जुबैर मोतीवाला के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा है कि हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं, जब भी होंगे हम उनका इनकार करेंगे।